गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ क्लास 8 होम साइंस क्लास एंड वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 होम साइंस, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, केयर ऑफ ग्रोथ, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। सो द पॉइंट इज केयर ऑफ ग्रोथ। हाउ कैन वी केयर ऑफ अ ग्रोथ, कि हम किसी की भी ग्रोथ, कोई बच्चा है उसकी ग्रोथ को हम कैसे टेक केयर करें, कैसे हम ध्यान दें कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, प्रॉपर उसकी हाइट बढ़ रही है कि नहीं, उसका वेट प्रॉपर है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। ऑल दिस टर्म्स सीम सिनोनिम्स बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। सुनने में तो लगता है कि सारी चीज़ें एक ही हैं, बट ऐसा नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ऑल दिस टर्म्स डिनोट डिफरेंट मीनिंग्स। द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ इज़ वेरी स्मॉल, वेइंग अराउंड 3 kg एंड हैविंग हाइट अराउंड 50 cm। ग्रेजुअली द चाइल्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, हिज दिस चेंजेस इन द चिल्ड्रेन कॉल्ड ग्रोथ। तो ये जो चेंजेस है दैट इज ग्रोथ। एंड व्हेन देयर इज चेंज इन अपीयरेंस, तब उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। कि जब वो बनावट उसकी बदलने लगती है, उसका नेचर बदल रहा है, तो ये सब क्या है, उसका डेवलपमेंट है। टाइटनिंग ऑफ द स्किन, हेयर टर्निंग ग्रे आर द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ ग्रोथ, द चेंजिंग अकरिंग इन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड ड्यू टू केयर एंड न्यूट्रिशन आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड ग्रोथ। इट इज़ ओनली ड्यू टू ग्रोथ दैट द इन्फेंट्स बिकम चाइल्ड, youth and adults with the passage of time. There are two aspects of growth of infant, growth in weight and growth in height. Two types का ही growth देखने को मिलता है छोटे बच्चों में, infants में। एक तो उनका weight और second उनकी height। Factors determining growth, कौन कौन से factors हैं जो कि growth के लिए ज़रूरी हैं, determining के लिए। Number one आपका heredity, कि जो physical shape है वो आपके parents या grand parents के ही मिलता जुलता होता है। न्यूट्रिशन है जो आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी के हिसाब से अगर आप अच्छी न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। डिजीज़ेस, कि अगर कोई बच्चा हमेशा बीमार रहता है और एक बच्चा है जो स्वस्थ रहता है, तो जो बच्चा स्वस्थ है उसकी ग्रोथ क्या है, वो ज़्यादा अच्छी होगी। सेंटिमेंट्स, इफ़ द चाइल्ड बाई नेचर इज़ इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, तब भी उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। एक्सीडेंट्स, कि अगर बच्चे के साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी ऐसी चीज़ से वो सफ़र कर रहा है, तो भी उसकी ग्रोथ पे क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। फिज़िकल डिसेबिलिटी, कि कभी कभी होता है कि बच्चे हैं जो फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, इससे भी क्या है, उनका जो फिज़िकल ग्रोथ है वो थोड़ी सी इफ़ेक्टेड होती है। केयर ऑफ ग्रोथ, हाउ कैन वी केयर द ग्रोथ। इन ऑर्डर टू प्रॉपरली इवेल्युएट हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स, हिज फिज़िकल डेवलपमेंट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। केयरिंग ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्स 3 facts टू बी केप्ट इन द माइंड। कौन कौन से फैक्ट्स हैं वो, वेट, हाइट एंड एक्टिविटीज। तो जब इन्फेंट्स हैं तो उनका क्या है कि तुरंत ही नोट डाउन करते हैं हम, जैसे उसका बर्थ होता है तो उसका वेट तुरंत ही नोट डाउन किया जाता है कि कितने केजी का बच्चा था, और एक अराउंड जो है वो है 3 kg के आसपास का वेट उसका होता है, ठीक है। द वेट रिड्यूसेस अ लिटिल इन द फर्स्ट वीक, और इस एक हफ्ते में उसका वेट थोड़ा सा कम होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वेट बढ़ता ही है, कम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक चार्ट बना है, ये एज है और ये वेट है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चा 2.5 to 3.5 kg के बीच का होता है, जो स्वस्थ बच्चे माने जाते हैं। 1 year में वो वेट उनका 7 to 9.5 का अराउंड पहुँचता है। 2 years पे उनका वेट 9.5 to 12 के अराउंड पहुँचता है। 3 years के एज पे उनका जो है वेट वो 11.5 to 14.5 के आसपास का होता है। ये तो हो गया एक प्रॉपर वेट। अगर कोई भी आपको लग रहा है, आप रेगुलरली चेक करो, इफ़ देयर इज़ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन हिज वेट या इन हर वेट, तो आपको उनके एक अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ हाइट।
द हाइट सिमिलर टू वेट शुड बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल, वो भी हमें चेक करते रहना चाहिए। यहाँ पे अगेन एक चार्ट है, और जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास की होती है, 50 to 55 सेंटीमीटर। दिस चार्ट यू कैन सी एट द टाइम ऑफ बर्थ हाइट क्या होती है 50 to 55 इन सेंटीमीटर्स। 1 ईयर्स पे ये होती है 75 to 80, 2 ईयर्स पे होती है 90 to 95, एंड 3 ईयर्स पे होती है 98 to 103 सेंटीमीटर्स। मतलब कि 1 मीटर के आसपास बच्चा पहुंच जाता है जब वो 3 साल का होता है। एक्टिविटीज़ कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसे आप एक्टिविटीज़ को केयर करो। प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द इन्फेंट आफ्टर बर्थ विच मेक्स हिज बॉडी एंड बोन्स स्ट्रॉन्गर। कि जन्म के बाद आप बच्चे को कैसा दे रहे हो, उसकी डाइट कैसी है, वो खान पान कैसा है उसका, तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है कि तभी उसकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, उसके बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे, और इन सब चीज़ों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। द एनर्जी प्रोपेल्स हिम टूवर्ड्स सम नेचुरल एक्टिविटीज़। द इन्फेंट्स डू नॉट हैव कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, कि वो अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट दे नीड सपोर्ट, उनको कुछ बड़ों की हेल्प चाहिए होती है अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, लाइक वॉकिंग, सिटिंग, स्लीपिंग एट्सेट्रा, इन सब के लिए उनको जरूरी है। अब यहाँ पे इन्फेंट्स एंड देयर नेचुरल एक्टिविटीज़, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं वो। जब वो 1 मंथ का होता है रेजिंग चेन, मूविंग लिम्स, ये सारी एक्टिविटीज़ करता है। 2 ईयर्स पे रेजिंग चेस्ट, 3 ईयर्स पे ग्रिम्पलिंग ऑब्जेक्ट्स, एंड 4 ईयर्स पे सिटिंग एंड टम्बलिंग, अरे 5 मंथ्स पे सिटिंग इन द लैप, 6 ईयर पे सिटिंग बैक्ड बाय पिलो, 7 मंथ्स पे प्लेइंग विद द टॉयस, 8 मंथ पे स्टैंडिंग विद द सपोर्ट। 8 मंथ का जब बच्चा होता है तब वो सपोर्ट के साथ में खड़ा होना शुरू कर देता है, और 9 मंथ पे वो मूविंग ऑन नीज, घुटनों के बल चलना शुरू करता है, मूव थोड़ा बहुत करता है। 10 मंथ्स पे वो वॉकिंग विद द सपोर्ट, सपोर्ट के साथ हल्का फुल्का वॉक करना शुरू कर देता है। 11 मंथ्स पे रिकॉग्नाइजिंग वॉइस ऑफ द पेरेंट्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, और जब वो 1 साल का होता है तब वो क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग विदाउट सपोर्ट। 1 साल का होने के बाद बच्चे क्या होते हैं, बिना सपोर्ट के भी थोड़ा बहुत मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड केयरिंग, बेनिफिट्स ऑफ केयरिंग इन द चाइल्डहुड आर अवेयर्ड फॉर होल ऑफ द लाइफ। कीपिंग मेजरमेंट्स ऑफ वेट एंड हाइट ऑफ द इन्फेंट्स रिवील्स वेदर द ग्रोथ इज़ प्रॉपर और नॉट। अगर आप प्रॉपर चेक करोगे तभी आपको ये मालूम चल पाएगा कि उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं। इन केस ऑफ इम्प्रॉपर ग्रोथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट शुड बी कंसल्टेड एंड हिज प्रेस्क्रिप्शंस फॉलोड, कि वो जो भी आपको प्रेस्क्राइब करे उसको आप फॉलो करिए। द चाइल्ड स्पेशलिस्ट मे ऑल्सो सजेस्ट सम अदर स्टेप्स विच मे बी बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर हेल्थ ऑफ चाइल्ड। तो यह तो आपका चैप्टर था, ग्रोथ को हम कैसे केयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट इट्स एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।